कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करे अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते दोस्तों, नमो शोभित। और जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया गया था कि हम लोग 9th क्लास के वीडियोस आपके पास लेकर के आएंगे। मैथ्स का वीडियो आज मैं पहला बना रहा हूँ और 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में एक कार्टून टाइप की लड़की है जो आगे पीछे चल चल कर बहुत सारी चीजें बताएगी। और देखो, NCERT की जो बुक्स है यार, इस बुक में ना बहुत बेसिक चीजें दी हुई हैं, तो हम उन बेसिक बातों पे ही फोकस करेंगे। हालांकि यहाँ पे हमने पहले ही डायग्राम में लड़की को लेफ्ट और राइट चलाना शुरू कर दिया नंबर लाइन दिखाने के लिए, बट हम लोग नंबर लाइन पे थोड़ा देर में जाएंगे। हम पहले ये समझेंगे कि नंबर सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, या मतलब थोड़ा पीछे से खुद सोच करके देखो कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी, या नंबर्स की डिस्कवरी क्यों हुई होगी। पहला वाला नंबर जो इन लोगों ने डिस्कवर किया होगा वो कौन सा रहा होगा। तो काफी पुराने टाइम पे स्पेशली मुझे कोई बहुत खास चीज नहीं दिख रही है, केवल इधर उधर वॉक करवा रहे हैं, लेकिन स्टोरी के साथ साथ हम लोग आगे भी चले गए, ठीक है। तो काफी पुराने टाइम पे ऐसे सोच करके देखो, जब लोग ऐसे झुंड बना करके रहा करते होंगे तो उनको क्या करना होता होगा, अपने ग्रुप में कितने लोग हैं ये काउंट करके चलना पड़ता है। जब पुराने टाइम में स्टोन एज के थोड़ा सा बाद में लोग जब ऐसे कबीलों में रहते होंगे तो वो काउंट करते रहते होंगे कि हाँ यार इतने लोग अपने पास हैं, या हमने इसको इतना सामान दे दिया, उसने हमको इतना सामान दे दिया, ठीक है, तो वो सामान काउंट कर लेते होंगे, चार लकड़ियां दे दी। तो इस तरीके से समझ में आता है कि जब सबसे पहली काउंटिंग स्टार्ट हुई होगी ना, तो बिल्कुल बेसिक काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो वाले नंबर आए होंगे। उन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नाम क्यों रखा गया होगा ये भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर नाम काफी बाद में रखा गया होगा, लेकिन सबसे पहले वो आए होंगे काउंटिंग नंबर, कि हमारे ग्रुप में 1, 2, 3, 4, 5 इतने लोग हैं। तो ये काउंटिंग नंबर जो है इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। तो जब हम लोग नेचुरल नंबर देखते हैं ना, तो नेचुरल नंबर में एक्चुअली हमारे पास क्या है, कैपिटल एल से इसका सेट डिनोट कर देते हैं, और इसमें जो नंबर आते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइटली मेनी। आप कितने भी नंबर काउंट करते चले जाओ तो नेचुरल नंबर में ही आते हैं, जो ये सब काउंटिंग नंबर चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लोगों ने मैथ्स पढ़नी शुरू करी होगी, बिल्कुल बेसिक मैथ्स, थोड़ी थोड़ी सी इक्वेशंस आ गई होगी। तो यहां पे चल रहा था नेचुरल नंबर, लेकिन कभी कभी ऐसी भी चीजें आती है ना, जैसे सपोज करो उसी कबीले के अंदर क्या हुआ कि मेरे पास चार लकड़ियां थी, मैंने चार की चार लकड़ियां तुमको दे दी, तो अब मेरे पास क्या बचा, कुछ नहीं, तो उस कुछ नहीं को क्या नाम दिया जाए। वैसे ये स्टोरी बता रहा हूँ, ऐसे रियल हिस्ट्री नहीं रही होगी, हिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट रही होगी, मैं ऐसे ही स्टोरी बना करके समझा रहा हूँ। तो जब मेरे पास कुछ नहीं रहा तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया जीरो। तो जब जीरो इंट्रोड्यूस किया गया तो हमारे पास नया सेट बना नंबर का, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W से, और इसमें हमारे पास जीरो भी आ जाता है। मतलब वो जो काउंटिंग नंबर थे वो तो थे ही, और उसके साथ में हमने क्या किया, जीरो को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब क्या आ गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे पास होल नंबर्स आ गए। अब देखो क्या हुआ होगा फर्दर, यहां तक आने के बाद अब क्या हुआ रहा होगा। अब सोचो कि थोड़ी मैथ और इवॉल्व हो रही है आगे जाकर के, लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो कभी एक ऐसी इक्वेशन आ गई, सपोज के x+5 = 3, तो हम क्या बोलेंगे, x = 3 - 5। अब 3 - 5 आ रहा है, मतलब 3 में से 5 हटाना है, ये डेब्ट वाला केस आने लगा, उधारी लेनी चालू कर दी है, ठीक है। तो जब ऐसी चीजें आने लगी तो हमको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ा होगा, नेगेटिव नंबर्स भी आने लगे होंगे। तो नेगेटिव नंबर्स आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नया कंसेप्ट आया इंटीजर्स का। जब हमने ये काम किया होगा तो हमने यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया होगा इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स कैसे है, अच्छा एक चीज और है, जैसे नेचुरल नंबर के अपने पार्ट्स होते हैं कि प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, उसमें हम बाद में चलेंगे, अभी तो बस मैं बेसिक्स बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम आए होंगे नेक्स्ट इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स को हम जनरली आई या कहीं कहीं पे कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं, ये देखो कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं। जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड ज़ैलेन व्हिच मींस टू काउंट, तो जेड से भी इसको डिनोट किया जाता है, नहीं तो आई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसमें क्या क्या लेकर के आते हैं, इसमें
पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। मतलब प्लस वाले 1 2 3 4 5 6 सारे हो गए, जीरो भी आ गया, और माइनस वाले -1 -2 -3 ये सारे भी हो गए। तो अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे सेट कैसे बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ नेगेटिव इंटीजर है, और जीरो कैसा है, जीरो ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है। तो इस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जो चीज मैं अभी बताने वाला हूँ इस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी तो नहीं, अभी तो बस इसको सुनने में लगे कि हाँ सर ये आपने डेफिनेशन बता दी, लेकिन जब आप 11th 12th में जाकर के पढ़ोगे या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है आपकी बहुत काम आती है। जैसे एक सेट होता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गया, जो इंटीजर्स पॉजिटिव है, जनरली इसको आई प्लस से डिनोट करते हैं, जो इंटीजर्स पॉजिटिव है कौन से हो गए, वो हो गए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा सेट आता है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स कौन सा हो गया, आई माइनस, ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जीरो। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। जीरो एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, इसको अलग से मैं लिख देता हूं, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, दोनों ही कैटेगरी में नहीं आता। तो अब आप खुद सोच करके बताओ कि अगर मैं बोलूंगा कि नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट बनाना है, कैसे बनाओगे, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में नीचे जाकर के बताना है। ओके, अब देखो यहाँ पे और कई नंबर्स भी लेकर के आ गए, ठीक है। अभी हमने कहां तक देखे थे, हमने इंटीजर्स तक देख लिए थे, सिंबल सेट देख लिया था, लेकिन अब सोचो आगे और कैसी इक्वेशंस बन रही होंगी। जैसे सपोज करो कि आगे एक इक्वेशन बन गई बाय चांस हमारे पास कि 3x = 5, तो अब हम क्या बोलेंगे, अभी तक तो हम इंटीजर्स देख रहे थे, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक जो पूरे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आ गई 3x = 5, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5/3 जैसा आने वाला है, मतलब एक नंबर का कुछ पार्शियल पार्ट भी आ सकता है। तब फिर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया किसका, तब कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स का। तो जो भी नंबर्स P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते थे उसको हमने क्या बोला, यहां पे समझना, जो भी नंबर है जिनको भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं ये Where P and Q are integers. जो भी नंबर इस फॉर्म में लिखे जाते हैं ये सारे नंबर्स बोले जाते हैं रैशनल नंबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स, और इनके सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, जितने भी नंबर है। तो देखो इस क्लास में तो इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं रैशनल नंबर पे। आपने 8th में भी देखे होंगे कि कुछ नंबर दिया होगा डेसिमल फॉर्म में होगा, फिर वो बोलेंगे कि उसको P/Q के फॉर्म में लेकर के जाओ, तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं और आगे भी ये पूछे ही जाते हैं। लेट मी सी, सो अब रैशनल नंबर के बारे में हमने बता दिया, एंड आगे देखते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। हाँ, अब जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, चलते हैं, ये एग्जाम्पल हमें क्या समझा रहा है, ये एग्जाम्पल हमें बोल रहा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर होगा, क्या ये सच है? तो मेरे हिसाब से ये सच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हाँ ये ट्रू है, क्योंकि आप कोई भी इंटीजर लिखो, जैसे आपने 5 लिखा तो आप उसको 5/1 कर सकते हो जो कि P/2 के फॉर्म में आ गया। तो कोई भी इंटीजर होगा चाहे वो 0 ही हो, तो 0 कैन आल्सो बी रिटन एज 0/1, तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर एंड इट इज ट्रू। देन एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? तो ये गलत है, क्योंकि रैशनल नंबर है 3/5 जो कि फ्रैक्शन है, ये इंटीजर नहीं है। तो इस तरीके से हमने 2-3 स्टेटमेंट यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर कोई डाउट आ रहा होगा तो आप क्या करोगे, आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हो, थोड़ा ज्योमेट्री वगैरह भी इसमें यूज करेंगे। जैसे बोल रहे कि
फाइंड फाइव रैशनल नंबर बिटवीन वन एंड टू। देखो क्या होता है, रैशनल नंबर में हम क्या करते हैं, एक दो पॉइंट हमें समझ में आने चाहिए। रैशनल नंबर जितने भी होंगे वो हमेशा जैसे होंगे डेसिमल के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और कैसा डेसिमल हो सकता है, वो डेसिमल के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, ठीक है, डेसिमल फॉर्म की अगर मैं बात करूंगा तो रैशनल नंबर की कंडीशन होती है कि या तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ईदर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और नहीं टर्मिनेटिंग है तो फिर वो कैसा होना चाहिए, वो रिकरिंग होना चाहिए, रिकरिंग डेसिमल नंबर होना चाहिए। रिकरिंग का मतलब क्या हो जाता है, जो रिकर करते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया कि फॉर एग्जांपल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो तुम्हें क्लियर दिख रहा है 1.25 टर्मिनेट हो गया, फिर उसको तो तुम आराम से क्या करोगे 125 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा लिख लोगे। लेकिन दूसरा एग्जांपल कौन सा हो सकता है, जैसे 1.13 एंड सो ऑन, ये आगे जा रहा है और ये रिकर करता ही चला जा रहा है। तो इस नंबर को पी अपॉन टू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है, कि इस नंबर को पी अपॉन टू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स There are infinitely many rational numbers, even rational and irrational, dono hi dal sakte hain, rational and irrational numbers. ठीक है, अब अगर हमें ये देखना हो कि दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है, कैसे निकालोगे, सपोज ये है वन ये है टू, तो आप क्या करो, वन और टू के बीच का मिड पॉइंट निकाल लो। तो वन और टू के बीच का मिड पॉइंट कैसे आएगा, वन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, तो हम कहां पे आएंगे, मिड पॉइंट पे। तो इसके बीच में हमें क्या मिल गया, थ्री बाई टू। अब अगर हमें एक और इंट्रोड्यूस करना है तो वन और थ्री बाई टू के बीच का मिड पॉइंट निकाल लो, या थ्री बाई टू और टू के बीच का मिड पॉइंट निकाल लो, एंड सो ऑन, हम कितने भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वहां से रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, So, ये कुछ तरीके हैं, ये आपने पहले भी देखे होंगे। यहां पे देखो ये लिखा भी हुआ है पॉइंट, ये पॉइंट लिखा भी हुआ है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। क्योंकि अगर दो रैशनल नंबर दे दिए जाए तो हम ऐसे मिड पॉइंट निकालते निकालते इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कहीं पे भी कुछ भी डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना इससे रिलेटेड। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट। So, अब देखो यहाँ पे छोटी सी एक्सरसाइज है, यहाँ पे छोटी सी एक्सरसाइज है, वो बोल रहे जीरो आर रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? जी हाँ है, क्यों, क्योंकि जीरो को जीरो वन वन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जैसे ही जीरो को जीरो वन वन के फॉर्म में लिखोगे तो दिस बी वन क्यू फॉर्म, सो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। तो देखो अभी जस्ट मैंने आपको मेथड बताया कि आप क्या करोगे, आप मिड पॉइंट निकालते जाओ, पहले थ्री और फोर के बीच का मिड पॉइंट निकालो, फिर उनके बीच का मिड पॉइंट निकालो, ऐसे करके आप सिक्स नंबर्स इसमें, सिक्स रैशनल नंबर इनके बीच में इंसर्ट कर सकते हो। ऐसे ही फाइव रैशनल नंबर इनके बीच में इंसर्ट कर ले तो आप मिड पॉइंट निकालते जाओ वन बाई टू करके। तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है जो हमने एग्जाम्पल में भी देखे हुए थे। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको चाहिए कि नहीं सर पूरे पूरे क्वेश्चंस का सोल्यूशन ही एक बार बना करके दिखा दीजिए, ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि एक बार आप अपनी तरफ से भी बनाओ, लेकिन नहीं होता तो आप मुझे सजेस्ट करो कमेंट सेक्शन में जाकर के, आई विल लेट यू नो अबाउट दिस। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो हमने क्या बोला थी पीछे कि जिन नंबर्स को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा वो होते हैं इरेशनल नंबर, लेकिन जिन नंबर्स को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, जिन भी नंबर्स को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले पढ़ी होगी, तो अभी आगे पाइथागोरस थ्योरम का भी एक्चुअली यहाँ पे यूज होता है काफी ज्यादा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाले नंबर √2, √3, √15, π.1010, इस तरीके के नंबर जो लिखे हुए, ये सारे नंबर किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ रहे हैं। डेसिमल के टर्म्स में भी अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ईदर नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉट ईदर, व्हाई ईदर क्यों बना हुआ,
हम यहाँ पे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेट ना हो रहे हो, एंड नॉन रिकरिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और जो रिकर भी नहीं कर रहे हैं, जैसे डेसिमल के फॉर्म में आपको ये लिखा है। ये देखो रिकर भी नहीं कर रहा है, मतलब रिपीटिशन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक वन था बाद में दो वन आ गया, बाद में तीन वन चार वन इस तरीके से जा रहा है, तो रिकरिंग तो नहीं है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, कहीं खत्म भी नहीं हो रहा है। तो ये कैसे नंबर हो गए? ये हो गए हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में रूट टू भी आता है, रूट थ्री भी आता है। अच्छा, इनका एक प्रॉपर डेरिवेशन होता है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। बताओ कैसे इरेशनल नंबर है, प्रूफ करके बताओ। तो आप बोलोगे कि सर हम रूट टू को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो बोलता है कि क्यों नहीं लिख पाओगे ये बताओ, अगर रूट टू को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। तो उसका प्रॉपर मेथड होता है कि क्या करते थे, इसमें हम रूट टू को पी अपॉन क्यू कर देते हैं, जहां पे पी और क्यू ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो फिर हम बोल देते हैं कि पी इक्वल टू रूट टू क्यू आ जाएगा। तो जब आप पी स्क्वायर करोगे तो बिल भी टू क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कोई कॉमन फैक्टर, अगर हमने बोला कि पी और क्यू के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अगर आप इसको पी को ऑड मान के चलोगे तो ये तो इवन के इक्वल नहीं हो सकता, और अगर इवन मान के चलोगे तो फिर वो टू कैंसिल होगा। इस तरीके के हम अजम्पशंस क्रिएट करके यहाँ पे प्रूव कर देते हैं कि पी अपॉन क्यू, मतलब जितने भी ऐसे फंक्शन आते हैं, ऐसे नंबर आते हैं जो रूट टू है, रूट थ्री, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उनका रूट लगा रहता है, वो इसी तरीके के अजम्पशन से प्रूव किए जाते हैं कि वो इरेशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा एक नंबर और है पाई। बहुत लोग बोलते हैं सर पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, तो ये तो अपने आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया, आप कैसे कह रहे हो कि ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू वो होता है वो 3.14 एंड समथिंग समथिंग समथिंग। और जो पाई की डेफिनेशन बनी है वो सर्कल वाली डेफिनेशन से बनी है कि हम क्या बोलते हैं कि पाई हमें कैसे मिलता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर, पाई अपॉन डी से मिलता है, सॉरी पी अपॉन डी से मिलता है, पेरीमीटर अपॉन डायमीटर से मिलता है। तो वहां से हमें पाई मिलता है, वहां वो जो वैल्यू होती है जब आप उसको कैलकुलेट करते जाओगे तो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग आती है। लेकिन वो 3.14 जो है वो 22/7 से भी हमें मिल जाता है, मतलब ये पाई जो होता है दैट इज नॉट इक्वल टू 22/7, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, ये कंडीशन होती है। तो इसलिए हम पाई को इरेशनल नंबर की कैटेगरी में ही रखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो ये कुछ नंबर्स आ गए हमारे पास जिनमें हमने इरेशनल नंबर भी देख लिए। ठीक है, हाँ, अब जैसे ये है कि लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पे बना करके दिखाओ। तो देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, बहुत आसान है, पाइथागोरस का नाम ये अभी थोड़ी देर पहले इसीलिए बता रहे थे, ये करना बहुत आसान था। आप देखो क्या करो, ये जीरो दिख रहा था आपको, यहाँ पे नंबर लाइन पे ये वन दिखाई पड़ रहा था, आपने क्या किया हॉरिजॉन्टल में वन रखा एंड वर्टिकल भी एक वन लेंथ का ये बना दिया लाइन। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जब हम ये डायगोनल सॉरी हाइपोटेन्यूज बनाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपको क्या मिलता होगा हाइपोटेन्यूज, मतलब ओबी का वैल्यू क्या मिलता होगा, ओबी का वैल्यू मिलेगा रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो इट विल बी व्हाट रूट ओवर। अब ध्यान से सुनना, अब हम थोड़ा सा कंपास प्रोट्रैक्टर जो आपका मन करे वो ले लो, कंपास लो उसको यहां पे रखो और पेंसिल यहां पे रखो और अब इसको घुमाते चले जाओ। तो जब यहाँ पे नंबर लाइन पे कट करेगा, सपोज से पॉइंट पी पे कट करता है आकर के, तो आप खुद सोच करके बताओ जब ये वाला लेंथ रूट टू है तो क्या यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ रूट टू होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो देखो नंबर लाइन पे पॉइंट पी पे रूट टू डिनोट हो गया कि नहीं, मतलब सीधी सी बात है कि चाहे कितने भी रैशनल नंबर हो, कितने भी रैशनल नंबर हो, सबको हम नंबर लाइन पे लोकेट कर देते हैं। तो अब आता है अपने पास ही नंबर लाइन का कंसेप्ट। हमने क्या किया कि नंबर लाइन के बीचों बीच एक पॉइंट बनाया जिसको हमने बोल दिया जीरो। अब जीरो के राइट साइड, ये देखो ये कन्वेंशन है कि हम राइट को पॉजिटिव और लेफ्ट को नेगेटिव लेते हैं, ये कन्वेंशन लेकर के चल रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना है।
तो ये कन्वेंशन है, हमने क्या बोला कि राइट साइड होगा पॉजिटिव और लेफ्ट साइड होगा नेगेटिव। तो पहले हमने क्या किया कि सारे इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स बना लिए, यहाँ पे लिख रहे होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर बना दिए -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो पॉजिटिव भी बन गए और नेगेटिव भी बन गए। अब इनके बीच में हमने क्या किया, तो इनके बीच में अगर आपको इरेशनल नंबर इंट्रोड्यूस करने होंगे तो एक मेथड मैंने बता दिया, अगर आपको और करने हैं तो इसी मेथड की हेल्प से आप और भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये रूट टू की लेंथ मिल गई, फिर वन का बनाओ और फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप रूट थ्री बना सकते हो, रूट फाइव बना सकते हो, कितने भी बना सकते हो आप आगे जाकर के। सो इसमें समझना, इसमें हो क्या है, सारे नंबर चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, वो सब इसी नंबर लाइन पे दिखा है, पॉजिटिव वाले इधर, नेगेटिव वाले इधर। जीरो से एक ऐसा नंबर है जो नंबर की ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ये जो नंबर लाइन बनी इसको हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन, क्योंकि जितने भी नंबर हैं जो रियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे इसी नंबर लाइन पे मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सेट देखा जाए तो क्या है, रियल नंबर। उसके अंदर कौन से सेट आते हैं, उसके अंदर आते हैं रैशनल देन इरेशनल, फिर रैशनल में देखेंगे तो इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, फिर इंटीजर्स में देखेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो, फिर पॉजिटिव इंटीजर को ही हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, जिसमें हम डाल सकते हैं प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, यूनिक नंबर, वो सब वहां पे हम डाल सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर, जहां पे हमने रूट टू रूट थ्री ये सारी चीजें बना करके देख ली है। आप बनाना चाहोगे तो आप यहां से ही बना सकते हो। तो अब हमारे पास आती है एक्सरसाइज नंबर 1.2, ध्यान से देखते हैं इस एक्सरसाइज को भी। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं ये करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है, रियल नंबर के अंदर ही रैशनल और इरेशनल आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इरेशनल नंबर जितने भी होंगे वो रियल नंबर होंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। दूसरा क्या है, Every point on the number line is the form is of the form root n, where n is a natural number. तो अब ये सोच करके बताओ कि जितने भी point हैं क्या वो सारे के सारे root n के form में हैं, जहाँ पे n natural number है? नहीं, क्योंकि अगर हम 2^1/3 लिखेंगे तो क्या 2^1/3 root n के form में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये statement कैसा है? ये statement false है। 2^1/3, 1/5 इस तरीके के नंबर लिखोगे तो नहीं आ सकता। ये तुम नॉर्मल भी देख लो, अगर तुम 1/2 लिखोगे वो भी उस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 1/2 को भी तुम क्या लिखोगे, √1/4, तो 1/4 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, वो भी इस फॉर्म में नहीं है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये फॉल्स है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल भी हो सकते हैं और वो इरेशनल भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे रियल नंबर रैशनल ही हो या इरेशनल ही हो, रियल नंबर में रैशनल भी आ रहे हैं, इरेशनल भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एक एक्टिविटी मैं बता चुका हूं कैसे करना है, अगर नहीं कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन में डालना, फिर हम लोग इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन बना लेंगे। ओके, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, तो जरा देखते हैं इसमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8, 1/7। तो ये तो देखो नॉर्मल डिवीजन है, जैसे 10/3 लिखा है, तो 10/3 को आप कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ पे 10 लिखोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, तो आप क्या होगा, 3 3 9, फिर वो एक 1 बचेगा। ये आपने बचपन में करके दिखा होगा, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन आपको कैसा लिख रहा है, 3.3333, या ऐसे 7/8 करोगे तो वो मतलब नॉर्मल डिवीजन वाले केसेस है जो आपने पहले से ही देख रखे हैं, ठीक है। नाउ अच्छा, आप देखो जो मैं आपको एक शुरू में एक केस बता रहा था, कि ईदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये वाला केस बताया था। तो यहां पे जैसे देखो लिखा हुआ था 7/8, यहां पे एक नंबर लिखा हुआ था 7/8,
जब इसको उन्होंने डिवाइड करके दिखाया, पीछे वाले पेज पे दिखाया गया, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि रिमाइंडर जीरो हो जाता है, मतलब डेसिमल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी में आ जाता है। कैसे, चलो एक बार हम देख लेते हैं करके इसको भी। तो हमने यहाँ पे लिखा सेवन और यहाँ पे लिखा, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है, मैंने इधर पे लिखा एट और इधर पे लिखा सेवन। अब मैं लगाऊंगा जीरो के बाद एक डेसिमल, तो एक डेसिमल आ जाएगा और फिर मैं इसको डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बोलूंगा 8 8 64 64 आया, 64 आने के बाद देखो ये कितना बचेगा 6। फिर मैं एक और जीरो लगाऊंगा, अब मैं क्या बोलूंगा, इससे पहले क्या आया 8 7 56 56 आया, यहाँ पे बचा 4, मैं एक जीरो और लगाऊंगा। फिर मैं बोलूंगा 8 5 40। अब यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं आ रहा, अगर आप इस जगह पर देखोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, आपका रिमाइंडर आ रहा है जीरो। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो 0.875 के बाद टर्मिनेट हो गया, रुक गया, बंद हो गया, इसके आगे नहीं जा रहा। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो कि पहले किस फॉर्म में लिखा हुआ था, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। दूसरा क्या होगा, जहां पे रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा, जैसे हमने 10/3 वाला केस देखा था, इसमें हमने क्या देखा था कि रिमाइंडर कभी जीरो नहीं हो रहा है। तो ये नंबर कैसा हो जाता है, ये रिकरिंग है, मतलब डिजिट्स रिकर कर रहे हैं, इसे 3333 रिकर कर रहा है। या यहाँ पे देखोगे 1/7 को देखोगे तो देखना इतनी डिजिट्स के बाद ये रिकर करना शुरू कर देता है, 0.142857 इसके बाद ये रिकर करना स्टार्ट कर देता है और ऐसा ही रिकर करता चला जाता है। तो जो मैं बोल रहा था ना शुरू शुरू में कि रैशनल नंबर कैसे होते हैं, या तो रिकरिंग होते हैं या फिर टर्मिनेटिंग होते हैं, वो कंसेप्ट यहाँ पे इन्होंने इस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। एंड आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। हाँ, रिकरिंग नंबर्स को कैसे लिखा जाता है वो भी इन्होंने बता दिया, तो आप उसको देख सकते हो अलग अलग जगह पर, कई जगह पर कई तरीके से लिख करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना कि जितनी डिजिट्स रिकर कर रही है, यहाँ पे जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जितनी भी डिजिट्स रिकर कर रही है आपको क्या करना है, उनके ऊपर 1.42857 ऐसा लिखा हो ना, कितनी, नॉट वन, वन नहीं आ रहा है, लास्ट वन से तो फिर से रिकर करना स्टार्ट कर देगा, जितनी डिजिट रिकर कर रही है उसके ऊपर आप बार लगा दो। ठीक है, कहीं कहीं पे डॉट भी लगाते हैं, डॉट भी लगाते हैं पहली और लास्ट डिजिट पे, या कभी कभी ऐसे किसी किसी बुक में लिखा होता है कि सारी डिजिट पे डॉट लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ यार कितनी डिजिट हमारी रिकर कर रही है। तो अभी तो हमने क्या देखा कि जो नंबर की अकाउंट क्योंकि फॉर्म में था उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। कभी कभी क्या करना होता है, डेसिमल नंबर को पी अकाउंट क्योंकि फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, तो उनको करने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे जैसे किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने वो ही सेम एग्जांपल किया हुआ जो मैं बोल रहा था कि वो कैसे कन्वर्ट करना है, जो मैं शुरू शुरू में आपसे पूछ रहा था कि ये नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको इसकी करके बता देता हूँ, ठीक है, फिर एक दो एग्जांपल आप मुझे करके बताओगे, क्योंकि होमवर्क मैं आपको दूंगा तो आप मुझे भी करके बताओगे एक दो एग्जांपल्स। ओके, यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास सपोज एक नंबर है से 1.34 और इसके ऊपर मैंने लगा रखा है 12, नंबर है 1.34 और इसके ऊपर लगा रखा है मैंने 12, और मैं बोल रहा हूं इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ। तो जब आप इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओगे, आप इसको कैसे लिखोगे, X इक्वल टू 1.34343434 एंड सो ऑन आपको इंफिनिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जितनी डिजिट रिकर कर रही है उतने जीरो यूज कर लो, जितनी डिजिट रिकर कर रही है उतने जीरो यूज करके यहां पे मल्टीप्लाई करो, 100x करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.34434 एंड सो ऑन, और आप इस नंबर को यहां से सब्ट्रैक्ट करो। तो जब आप इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो डेसिमल के बाद वाला तो पूरा पार्ट सब्ट्रैक्ट होने वाला है, फॉर श्योर ये तो पूरा ही जीरो होने वाला है, और डेसिमल के पहले क्या दिख रहा होगा, वो दिखेगा 133, और यहां पे क्या दिखेगा, यहां दिखेगा 99। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा,
133/99। तो ये हमारे पास एक P/Q के फॉर्मेट वाला क्वेश्चन बनके आ गया। अच्छा, इनके ट्रिक्स भी होते हैं, हम यहीं से ही देख के बता देते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहीं से देख करके हम बता देंगे कि आगे हमें क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा। एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा आगे मैं, ठीक है। लेकिन अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आपको इसी। अच्छा, तो अब देखो, अभी हम लोगों ने यहां तक क्या देख लिया कि जो डेसिमल नंबर है उनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लगाए। टर्मिनेटिंग वाला तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो रिकरिंग वाले थे उनमें हमने क्या देखा, जितनी डिजिट रिकर करेगी उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। जितनी डिजिट रिकर करेगी उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना है और फिर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है 0.23535 एंड सो ऑन। मतलब डिजिट कौन सी रिकर करवाना चाहते हैं हम, ये वाली डिजिट रिकर करवाना चाहते हैं 35। दो ही डिजिट रिकर करते हैं तो ठीक है, आप इसको लिखो x इक्वल टू 0.23535 एंड सो ऑन। और फिर आप क्या करो, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो। तो जब आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैंने क्या किया, मैंने दो डिजिट रिकर कर रही है, दो जीरो यूज किए हैं। हमेशा ही तीन रिकर करेंगे तीन यूज करो, चार रिकर करेंगे चार यूज करो। काफी लोग बोलते हैं अरे सर पहले क्या 10 से नहीं मल्टीप्लाई करना चाहिए था। कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं, आराम से हो जाएगा सॉल्व। आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये वाली दो डिजिट जो है वो डेसिमल के बाहर आ जाएंगी, यानी यहाँ पे आएगा 23.5 35 35 35 एंड सो ऑन। और जब आप x लिखोगे तो वो कितना आएगा 0.23535 एंड सो ऑन। तो अब ध्यान से देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखा डेसिमल के बाद यहां पे एक एक डिजिट छोड़ दो तो क्या बाकी सारे डिजिट सब्ट्रैक्ट होकर के जीरो नहीं होंगे, खुद देखो और बताओ। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसके बाद वाली ये सारे डिजिट तो सब्ट्रैक्ट होकर के जीरो हो जाएगी। यहाँ पे जब माइनस करोगे तो ये 5-2 आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2 और ये आ रहा होगा 99x। तो जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो विल बी 23.3/99 और जब ये डेसिमल हटा दोगे तो इट विल बी 233/990 एंड दैट्स इट। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स को P/Q के फॉर्म में ला करके समझ सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ये वाला एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ आके दिखाया नहीं था ऐसा, ये एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे ऐसे दिखाया नहीं था, ठीक है। अच्छा, इरेशनल नंबर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, रिकर भी नहीं करते और टर्मिनेट भी नहीं करते हैं। तो अब इसी के बेसिस से अपने पास ये वाली एक्सरसाइज आ जाती है। तो आप देखो इस एक्सरसाइज में जैसे बता रहे हैं कि किस तरीके का डेसिमल एक्सप्रेशन है, ठीक है, या इसको इस फॉर्म में लाना है, इसको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कैसे करना है। इस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जांपल्स मैंने बताए हैं उनके बेसिस पे आपको ये वाले क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं और डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, हम इसका एक पूरा प्रॉपर सोल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन उस पूरे प्रॉपर सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपनी तरफ से इनमें से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इनमें से क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जो आपके डाउट्स आएंगे उनको आप कमेंट सेक्शन में डालोगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसके आगे वाले टॉपिक पे जाएंगे, मतलब इसकी एक्सरसाइज का पूरा प्रॉपर सोल्यूशन आपको देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। होमवर्क में ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। अच्छा, रियल नंबर को रियल नंबर लाइन पे नंबर जैसे लिखे जाते हैं वो हम पहले ही बात कर चुके हैं सारे के सारे, कि जीरो जीरो के बाद 1, 2, 3 उनके बीच में, जीरो से 1 के बीच में उनके सारे के सारे फ्रैक्शंस, ठीक है, लाइक 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड सो ऑन टू 1। अब वो 0.1 नहीं, 0.1 और 0.2 के बीच में 0.11 0.12 0.13 वो सब नंबर उसके बीच में आ रहे हैं। तो सारे के सारे नंबर चाहे वो फ्रैक्शन है या वो कैसे भी नंबर हो, रैशनल हो इरैशनल हो, सबके सब उसके बीच में आएंगे, ठीक है।
ये यहाँ पे इन्होंने इलैबोरेट कर करके दिखाए हैं कि किसके बीच में क्या क्या नंबर आ सकते हैं, कैसे कैसे नंबर आ सकते हैं। सो आई डोंट थिंक इसकी अपने को जरूरत है। हमें इम्पोर्टेंट ये लग रहा है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, रियल नंबर में जो ऑपरेशंस होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वो होगा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।